हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल ऑफ डूइंग फाइन। अभी बज रही सुबह के 9:30। तो मैं नहा धोआ के आ गया। नहाने के लिए हमें पुराने घर जाना पड़ती है, तो वहाँ से नहा के आया। अभी मेरा रूम वगैरह अभी साफ सफाई नहीं हुआ, तो रूम को थोड़ा साफ सफाई कर लूँगी। साफ सफाई करके फिर बाहर का भी मेरा थोड़ा काम है, करना पड़ेगा। तो ब्लॉग के एंड में बने रहो, आगे आप लोगों से मिलते रहूँगी। क्या 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 काम करती हुआ सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलो बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे देखो सुनी कहाँ पर बैठी है। डर के मारे ऊपर जाके बैठी है, क्योंकि डोजी बहुत ज़्यादा मारते हैं। मारते तो नहीं, इसे खेलते हैं, लेकिन सुनी को अच्छे नहीं लगते, तो ऊपर चुपचाप सेफ्टी से बैठी है। देखो तो यहाँ पे मम्मी आज बना रहे हैं साग। लकी का जो डंडा होते हैं ना, उसे साग बनाने वाले हैं और सब्जी बनाने वाले हैं। तो लौकी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लौकी का साग सब्जी मेरे को, हमारे घर में सबको पसंद है। तो विलेज में तो बहुत ज़्यादा होती है लौकी का पौधा। ऐसे देखो मम्मी सारा सब्जी रेडी कर लिया काट के यहाँ पे। तो लौकी का जो डंडी होती है ना, डंडी से मम्मी सब्जी बनाने वाले है। आज हम लोग का घर में वेजिटेबल बनने वाले है, सारे का खाना जो है वेज बनने वाली है। तो मम्मी यहाँ पे सब्जी वगैरह काट के रेडी करके रख दिया, पानी में भिगो के रखा, जो गंदगी निकल जाए इसलिए पानी में भिगो के रखा। तो यहाँ पे देखो साग काट के रेडी हो गया, और साग के साथ जो कांता होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग का लैंग्वेज में, इसको सीम बोलते हैं। तो सीम से साग बनेगा हमारे घर में, और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखो रेडी कर लिया। तो अभी मैं सारा जो साग सब्जी है धो दूँगी, मम्मी बना रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं मम्मी, तो मैं अच्छे से धो लूँगी। ऐसे तो ऊपर रहते हैं, ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं रहते, तो भी साग सब्जी में कीड़े वगैरह रहते हैं ना, अच्छे से धोना पड़ती है। तो यहाँ पे मम्मी ने साग बना लिया, देखो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते है साग, हमारे घर में सबको पसंद है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है साग। मैं कब से मम्मी को बोल रही थी साग बनाने के लिए। तो इसमें अदरक लहसुन और प्याज डाला, और कुछ भी नहीं डाला, और हरी मिर्ची डाला, और डांडी जो है ना यहाँ पे बॉयल करके रखा। इसमें बैंगन है, आलू है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनियन डाला और पाँचफोरन डाला। और मम्मी हमेशा मसाला पीस के बनाते हैं, और यहाँ पे लकड़ी में खाना बन रही है, क्योंकि विंटर का सीज़न में हमारे घर में बहुत ज़्यादा लकड़ी में खाना बनती है। तो यहाँ पे देखो सारा जो सब्जी है इसमें डाल दिया, सिर्फ ओनियन पाँचफोरन और हरी मिर्ची डाला। तो यहाँ पे सब्जी अभी बन रही है, और साग तो पहले भी देखो बन गया, कितना ज़्यादा टेस्टी देखने में लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी यहाँ पे आलू भी रेडी कर रही है। तो यहाँ पे जो मसाला देना था सारा मसाला यहाँ पे डाल दिया, जीरा धनिया सब कुछ यहाँ पे दे दिया। अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फ्राई नहीं करते, 2-3 मिनट फ्राई करके फिर यहाँ पे पानी दे देगा, ये देखो, क्योंकि जो लकी का डंडी वगैरह होते हैं ना, ज़्यादा टाइम फ्राई करने से ना अच्छे नहीं लगते, इसमें बॉयल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे देखो पानी दे दिया, थोड़ा पानी दिया और ज़्यादा पानी नहीं देगा, देखो। गाइस यहाँ पे बन गया सब्जी, देखो कितना सुंदर लग रही है, और ज़्यादा झूल भी नहीं रखा, थोड़ा ग्रेवी टाइप ने बनाया। और हम अभी राइस खा लेंगे। यहाँ पे देखो साग बनी हुई है, और पहले साग से खाएंगे, हम हमेशा एक एक सब्जी खाते हैं, सारा सब्जी मिक्स होकर नहीं खाते। तो साग के खाने के बाद अभी मैं सब्जी से खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों ही सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी इवनिंग टाइम है, तो ट्यूशन के लिए स्टूडेंट आई है, आज एक ही आई है। अभी इवनिंग टाइम दो स्टूडेंट आते हैं, आज एक नहीं आया, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया, तो एक ही आई है। तो वैसे छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।